सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक्निकल सन यूट्यूब चैनल। सो आज का वीडियो स्पेशल जिसने वीवो कंपनी के वीवो T2X5 जो मॉडल का फोन यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने एक जो आपका प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करके दिखाने वाला हूँ। और जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बहुत सारे लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस भी सर्च करा यूट्यूब के अंदर, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस किसी को भी नहीं मिल रहा है। दोस्तों, आपका फोन के अंदर ये जो आपका वीवो कंपनी का जो फोन है, चाहे आपका वीवो T2X5 मॉडल का फोन यूज़ करते हैं या फिर आपका दूसरा कोई भी मॉडल का फोन यूज़ करते हैं, तो जितने सारे वीवो कंपनी का फोन आता है, ठीक है, तो उस फोन के अंदर ये कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जो प्रॉब्लम है वो ये है, जो आपका फोन का होम स्क्रीन है, उस होम स्क्रीन के अंदर बहुत सारे ऐसा थर्ड पार्टी जो ऐप होता है, उसका आपका एप्लीकेशन का लोगो, उसका आपका गेम्स वगैरह जितने सारे आप लोगों को देखने मिलता है, उसका लोगो आप लोगों को देखने मिल रहा है, और उसको बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर बहुत परेशान है और उसको डिलीट नहीं कर पा रहे और उसको डिजॉल्व भी नहीं कर पा रहे। तो उस लोगों को एंड गेम, तो उस गेम्स का लोगों को, उसके बाद एप्लीकेशन का लोगों को कैसे हटाना है एंड रिमूव करना है एंड डिलीट करना है, सब कुछ मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर लाइव के साथ दिखाने वाला हूँ। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग एंड बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो का आप स्किप नहीं करना है, अगर वीडियो को एक सेकंड पर स्किप कर देंगे तो आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। सो अपने चले वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फाइनल आ चुका मैं मेरे मोबाइल फोन का स्क्रीन के अंदर एंड आप भी आपका मोबाइल फोन का स्क्रीन के अंदर आ जाइए। एंड मोबाइल फोन का स्क्रीन के अंदर आने के बाद सबसे पहले आप लोग का जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को मैं आप लोग दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले आपको होम स्क्रीन के अंदर आ जाइए एंड आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको सिलेक्ट कीजिए एंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं हॉट ऐप्स। यहाँ पर देख सकते हैं हॉट ऐप्स, यहाँ पर बहुत सारे तरह तरह के जो ऐप्स है वो सजेस्ट कर रहा है डाउनलोड करने के लिए। उसके बाद लेफ्ट साइड के अंदर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी व्हाट्सएप्स, यहाँ पर गेम्स वगैरह बहुत सारे आ चुका है, तो इसी को लेकर बहुत लोगों ने बहुत परेशान है, ठीक है। तो अभी मैं आप लोग दिखाऊंगा इसको कैसे डिजेबल करना है, इन्हें बैन करना है एंड आपका होम स्क्रीन से इसको परमानेंटली डिलीट करना है और रिमूव करना है, ठीक है। तो जो भी आपका मन चाहे वो बोल सकते हैं डिलीट रिमूव, ठीक है। तो अभी कहना क्या होगा, अभी सिंपल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वी ऐप स्टोर, ठीक है, ये आपका पर्सनली वीवो कंपनी का ऐप स्टोर है, इसको सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। आप यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट के अंदर मैनेज नाम पर एक ऑप्शन आप लोग देखने मिल जाएगा सबसे नीचे की तरफ, उसके ऊपर सिंपली एक बार टैप कर दीजिए। सेटिंग्स की तरह एक आइकन देखने मिल रहा है, उसके ऊपर सिंपली एक बार टैप कर दीजिए। अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कुछ ऑप्शन बहुत सारे इनेबल है यानी ऑन है, उसको बंद करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कंटिन्यू डाउनलोड वन स्विच फ्रॉम वाईफाई टू मोबाइल नेटवर्क, ये वाला जो ऑप्शन है इसको बंद कर दीजिए। ये ऑन करके रखते हैं तो आपका वीवो का जो ऐप स्टोर का जो ऐप है, ठीक है, स्टोर के अंदर, तो वो ऑटोमेटिक आपका जब आपका मोबाइल फोन के अंदर वाईफाई कनेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपका जितने सारे ऐप है वो डाउनलोड हो जाएगा। उसे यहाँ पर देखते हैं डाटा इंस्टॉलेशन रिमाइंडर, इसको भी बंद कर दो। उसे यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएट हॉट ऐप्स एंड हॉट गेम्स ऑन होम स्क्रीन, ये भी बंद कर दो। उसके बाद सबसे लास्ट के अंदर ये जो आपको सेट एज डिफॉल्ट जो ऐप वाला सेटिंग्स है, इसको भी बंद कर दो और कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद ऑटोमेटिक आपका जितने से हॉट ऐप्स, गेम्स वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह देखने मिल रहा था वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। अभी यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी यहाँ पर हॉट ऐप्स का जो गेम्स वगैरह है, एप्लीकेशन वगैरह है, वो सारे यहाँ पर रिमूव हो चुका है एंड हट चुका है। यहाँ पर देख सकते सिर्फ एक सेटिंग्स, ठीक है, और कुछ नहीं है। ऐसे आप लोग को इस सेटिंग्स को करना है और कुछ नहीं। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो रहा है यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, तो चलो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर बता सकते हो, मैं आप लोग को कमेंट करके 100% गारंटी देने वाला हूँ। आई होप आप लोग को सबको समझ में आ चुका होगा। कोई भी सवाल है जरूर नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर बता सकते हो और वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पर नहीं हो तो फिर अपने सब्सक्राइब को बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ बेल आइकन को प्रेस करके जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहेगा। सो अपने चले आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक न्यू टेक्नोलॉजी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।